दोस्तों आज हम देखते हैं बांडे ग्राह जनित चित्रण। इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए बांडे ग्राह जनित क्या है, चित्र सही दर्शाइए और बांडे ग्राह जनित क्या है, इसकी संरचना कार्यविधि बताइए, रचना कार्यविधि सिद्धांत बताइए। तो बांडे ग्राह जनित चित्रण देखिए इस तरह से ये होता है, ये गोला होता है, यहाँ पर दो घिरनियाँ होती हैं और ये बेल्ट चढ़ी हुई होती है और ये मोटर होता है। इसे मोटर की सहायता से पहली घिरनी P1 को घुमाया जाता है। इसमें दो कंघी लगी होती है C1 और C2। P1 से P2 तक एक बेल्ट चढ़ी होती है जो मोटर की सहायता से घुमाई जाती है और उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और C1 पर C2 कंघियाँ होती हैं। A और B दो स्तंभों पर ये गोला टिका रहता है। इससे क्या होता है, इसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे। सिद्धांत में लिखेंगे, किसी खोखले गोले के बाहर की सतह पर ही उसका पूरा आवेश एकत्रित हो जाता है। यदि किसी खोखले चालक के पास कोई आवेश लाया जाए तो यह संपूर्ण आवेश खोखले चालक के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार से हम चित्र बनाएंगे और सिद्धांत लिखेंगे, उसकी लिखेंगे रचना। फिर हम रचना देखते हैं, रचना में लिखेंगे वांडे ग्राफ की रचना। ये लगभग 5 मीटर व्यास के धातु का खोखला गोला ऐस होता है। ये गोला लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युतरोधी स्तंभों ए और बी पर टिका रहता है। यानी 5 मीटर व्यास का होता है, 15 मीटर लंबा होता है, ये लंबाई इसकी 15 मीटर होती है। और C1 व C2 धातु की दो कंघियाँ होती हैं। C1 को पुहार कंघी कहते हैं और C2 को संग्राहक कंघी कहते हैं। P1 और P2 दो घिरनियाँ होती हैं जिससे होकर रेशम या रबड़ की बनी एक पट्टी गुजरती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर के द्वारा घुमाया जाता है जिससे पट्टी ऊपर की ओर तीर की दिशा में घूमने लगती है। C1 को एक उच्च विभव की बैटरी के धनसिरे से जोड़ देते हैं ताकि वह लगभग 10,000 वोल्ट के धनात्मक विभव पर रह सके। इसी प्रकार कार्यविधि में लिख देंगे, जब कंघी C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीसरे बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। धन आयनों व कंघे C1 के प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं और C2 बेल्ट के धन आवेश को एकत्रित करता है। ये धन आवेश शीघ्र ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाता है, बेल्ट घूमती रहती है। इस प्रकार बांडे ग्राफ जनित धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जैसे चित्र आप देखिए, ये बांडे ग्राफ जनित का चित्र है। ये मोटर लगा हुआ है और ये 6 मीटर व्यास का गोला होता है, जो मतलब बड़ा होता है वो 6 मीटर व्यास का गोला होता है और ये 15 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ए और बी स्तंभ पर खड़ा हुआ होता है। P1 और P2 को मोटर की सहायता से घिरनी P1 को घुमाते हैं जिस पर बेल्ट चढ़ी होती है, जिसकी सहायता से P2 भी इस तरह से घूमती है। और C1 व C2 कंघी होती हैं। इसे उच्च विभव 10,000 उच्च विभव बैटरी को दिया जाता है। इस प्रकार इसकी कार्यविधि हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इंपॉर्टेंट ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।